अधोलिखितं चित्रम् आधृत्य चित्रस्य वर्णनं पञ्चवाक्येषु कुर्वन्तु। This is creative writing. In this creative writing, this has a weightage of 10 marks. दश अंगानां कृते अयं प्रश्नः वर्तते। पश्यन्तु एव छात्राः, अत्र इदं पुस्तकमस्ति। रुचिरा अस्माकम् एकया छात्रया एव निर्मितमस्ति एतत् पुस्तकम्। अत्र अहं चित्रं द्रष्टुमिच्छामि, यदि कोऽपि चित्रं भवेत् तर्हि तस्य सहायतया वयं वाक्यानां तत्र निर्माणं करिष्यामः। हम वाक्यों का जो निर्माण करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बुक बनाई है एक स्टूडेंट ने। Can show you. This is FA4 activity. I'm looking for a picture, appropriate picture, on which we can make some sentences. Wow, this is also very nice picture. We can make sentences. Idam chitram nutan samvatsarasya asti. There is a happy new year is written. Etat chitram nutan samvatsarasya asti. Ye chitra jay nutan samvatsar ka hai. अस्मिन् चित्रे एकः बालकः कूर्दति। एकः बालकः अस्मिन् चित्रे टिंकल इति चोकलेह न तत्र पुस्तकानि सन्ति प्रायः, तस्य उपरि सः कूर्दति। तस्य बहु रुचिकरम् अस्ति प्रायः इदं मन्ये। चित्रे एकं चरणकन्दुकम् अपि दृश्यते, दिखाई दे रहा है, एक फुटबॉल दिखाई दे रहा है। तत्र एकं हरितवर्णस्य टोपम् अपि दृश्यते, वहाँ पे एक ग्रीन कलर की टोपी भी है। एवं पश्यामः अग्रे किमपि चित्रं भवेत्। ओ वाव, दिस इज सुडोकु, क्रीडा अस्ति। अनन्तरम् एतद् मनोरञ्जकानि क्रीडानि सन्ति। वेरी नाइस ड्राइंग मेड बाय दिस स्टूडेंट। Yeah, I got her. Very, very, very good. This is very, very nice picture. I have to show it to you. Let us see. Yes. इदं चित्रं वर्तते। वस्तुतः अत्र चित्रे अशुद्धानि कानि कानि सन्ति तद् दर्शितानि सन्ति। द्वयोः चित्रयोः तत्र भेदः किं, द्वयोः चित्रयोः भेदाः के सन्ति तत् अस्माभिः द्रष्टव्यः। परन्तु अधुना अहं तु एतत् चित्रनिर्माणस्य कृते स्वीकरोमि। एकम् अहं वक्तुं शक्नोमि यत् अत्र तस्य टोपस्य उपरि किमपि अधिकं किमपि नास्ति, परन्तु अत्र टोपस्य वार्धक्यं कृतमस्ति, एवमेव अस्ति। सर्वेपि किञ्चित् दोषाः सन्ति। पश्यामः इदं चित्रम्। अस्य वोकेबुलरी किं भवितुम् अर्हति? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक अ वोकेबुलरी फॉर दिस। वानरौ, हस्ति चालकः, हस्तिं चालयति। एतं यात्री अस्ति, एकः यात्री। यात्रेः समीपे एतद् दूरदर्शिका अस्ति, तद् दूरात् अपि द्रष्टुं शक्यते। अस्यां दूरदर्शिका इत्युक्ते दूरबीन कहते हैं इसको हिंदी में, नहीं तो इसको हम जो है बायनोकुलर कहेंगे इसको। अनन्तरं सर्पः अस्ति तत्र, पैनिस जंगल चूर।
वनस्य एतद् टूर् अस्ति, यात्रा अस्ति। तो यात्रा अगर शब्द है, यात्रायाः आकारान् स्त्रीलिङ्ग शब्द, यात्रायाः चित्रमस्ति। तो जंगल, जंगल इत्युक्ते वनस्य, यात्रायाः चित्रमस्ति। पहला जो चित्र है, पहला जो सेंटेंस है, आप कैसे बनाएंगे कि ये चित्र जो है वन की यात्रा का है। चलिए पहला सेंटेंस लिखते हैं। अब मैं इस पिक्चर को देखता हूँ और आपको सेंटेंस बताता हूँ। इदम चित्रम, थिंक लाइट बहुत ज्यादा है। इदम चित्रम वनस्य यात्रायाः अस्ति। तो ये चित्र है, ये चित्र इदम चित्रम वनस्य, वन की षष्ठी विभक्ति, यात्रायाः अकरण स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का है, अस्ति। इदम चित्रम, यह चित्र। दूसरा, अस्मिन् चित्रे यू कैन ऑल्सो लाइक ए तस्मिन् चित्रे, ये अलग स्टाइल है। बिकॉज हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इसके लिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद में देखिए, अस्मिन् चित्रे दो वानरौ स्तः, यहाँ पे दो बंदर हैं। और ठीक है, आपको देखने तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो बंदर हैं, दो वानरौ स्तः। हाँ, अस्मिन् चित्रे यात्री दूरदर्शिकया वानरौ पश्यति। एतस्मिन् चित्रे यात्री दूरदर्शिकया, दूरदर्शिका क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि जो दूरदर्शिका शब्द है तृतीय विभक्ति में, इसका होगा दर्शिकया, कि दूरबीन के द्वारा। दूरबीन मतलब बायनोकुलर से, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, तो बायनोकुलर से आ जाएगा। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच दिस पर्सन इज यूजिंग, दिस टूरिस्ट इज यूजिंग, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल केस। सो इन इंस्ट्रूमेंटल केस द थर्ड वन वी से वी नीड टू राइट देयर दूरदर्शिकया वानरौ पश्यति। वो बंदरों को देख रहा है, दो बंदरों को देख रहा है। तो बहुत ही इजी है, ये तीन सेंटेंस बनाने तो बहुत इजी है। अगर ग्रामेटिकली ठीक है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसमें मिस्टेक कर देंगे ग्रामेटिकली, वचन का या तो विभक्ति का, तो फिर आपके नंबर चले जाते हैं। तो इदम चित्रम वनस्य अस्ति, इदम चित्रम फिर इजी हो जाएगा, वनस्य अस्ति। लेकिन टूरिज्म है तो फिर वनस्य यात्रायाः अस्ति, तो भी आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द है। वनस्य ये आप देख सकते हैं, आकारांत पुल्लिंग है। तो आपने ये फिफ्थ और सिक्स में काम किया हुआ है, खास करके जो बड़ी क्लासेस हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो, उनको तो वैसे भी ये याद रहता है। तो दो और सेंटेंस आपको बता देता हूँ। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़े बायस होते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमको ये ऐसा सेंटेंस नहीं चाहिए। तो अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, पता नहीं उनको क्यों नहीं पसंद आता ये। लेकिन लास्ट के दो अगर आप ऐसा लिख देंगे, अत्र अत्र मतलब यहाँ पे, इन दिस पिक्चर आ गया, यहाँ पे हस्ती चालकः है ना, तो हस्ती चालक मतलब एक्चुअली यहाँ पे गज चालक आना चाहिए था। आप हस्ती लिखेंगे तो आपको हस्ते है ऊपरी, उसकी फिर आपको शायद विभक्ति नहीं बना पाएंगे। तो उसका आप ऐसा वर्ड लें जो अकारांत पुल्लिंग हो, तो वहां पे आप ऐसे लेते गजस्य ऊपरी उपविशति। तो ये एकदम इजी हो जाएगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट वाले सेंटेंस में लोग बहुत लिख देते हैं कि इदम चित्रम मह्यम रोचते, इदम चित्रम मह्यम रोचते। तो मैं आपको गारंटेड बोलूंगा इस बात को कि एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ये चित्र। अच्छा ऐसे आ जाए, इदम चित्रम मह्यम रोचते, वेट ए मिनट। इसके ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन अपना मंतव्य देना है। ये चित्र आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये आपके मन की जो है आपकी स्थिति बता रहा है, जो भी आपके मन को अच्छा लग रहा है। लेकिन चित्र के अंदर जो है उसका हमने वर्णन करना है, उसके अंदर क्या है, चित्र के अंदर हमने अपने मन का वर्णन नहीं करना है कि मेरे को मेरे मन में क्या लग रहा है, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है। आपको ये पिक्चर सुंदर लगे या आपको खराब लगे, ठीक है ना, कोई ऐसा भी लिख देगा नहीं, हम तो ये भी लिख देंगे कि इदम चित्रम मह्यम ना रोचते, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए बाढ़ आ गई है और बाढ़ के अंदर लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे को ये चित्र बहुत अच्छा लग रहा है ना। कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया है, कुछ ऐसी घटना हो गई है, तो ये गलत हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन इसके इन स्पाइट ऑफ दिस आपको क्या लिखना है, आपको वही चित्र का ही वर्णन करना है, अपने मन का वर्णन नहीं करना है। तो आपने लास्ट सेंटेंस जो है वो उसके हिसाब से लिखने की गजा अपि उपरि पश्यति, सिंपल। गजा अपि उपरि पश्यति, तो एकदम ये भी इजी हो जाएगा कि अब हमने यहाँ पे अत्र लिखा, एतस्मिन् चित्रे नहीं लिखा, अस्मिन् नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ग्रामेटिकली ये पूरा सेंटेंस जो है एब्सोल्युटली राइट है। आपको उस पर 2 मार्क मिलेंगे वेटेज इसका। तो आपको टोटली ऐसे अगर सेंटेंस लिखेंगे तो आपको सारे के सारे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गारंटेड मिल जाएंगे। ये गौरव शर्मा जी की गारंटी है, गौरव डबलेट। एंड प्लीज 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 फ्रेंड्स सब्सक्राइब। माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं मिल पा रहा उनको। एंड प्लीज कमेंट, क्योंकि मैं अकेला इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर कोई सजेशन हो तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा आगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी सो लॉन्ग टाइम। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।